हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस एंड मम। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है रखिया बड़ी की सब्जी। छत्तीसगढ़ के हर गांव में, हर घर में रखिया बड़ी बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 रखिया बड़ी ली है, जो 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी फ्रेश मेथी, 1 बड़े साइज का प्याज जिसे काट कर रखा है, 1 मीडियम साइज का आलू और 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और 1 छोटे साइज का बैंगन लिया है, उसे भी काट लिया है। मैंने यहाँ डेली यूज़ किए जाने वाले मसाले लिए हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, राई, जीरा। बस मैंने इसमें 1 साबुत धनिया ऐड किया है। सबसे पहले हम 2 बड़े टमाटर जिसे हमने काट कर रखा था एक पॉट में ले लेंगे। उसमें 1.5 टीस्पून हम 1 साबुत धनिया डाल देंगे और उसे दरदरा होने तक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, साबुत धनिया का फ्लेवर अलग ही होता है। आप किसी भी सब्जी में उसे यूज़ करें, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए, इस तरीके से हमें पेस्ट बनाना है। अब गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर कुकर रख देते हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप जिस भी तरीके से सब्जी बनाते होंगे वो तरीका बेस्ट होगा, पर आप इस तरीके से भी इसे बना कर देखिए, आपको रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं। उसके बाद उसमें हम रखिया बड़ी डाल देंगे और उसे लगभग 1-2 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। इस तरीके से हमें हल्के हल्के चम्मच चलाना है और हल्का सा ब्राउन होते तक इसे रोस्ट करना है। फिर 1-2 मिनट के बाद हम इसे निकाल देंगे। देखिए, बड़ी हमारी रोस्ट हो चुकी है, हल्की सी ब्राउन दिख रही है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम कुकर में फिर से 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे ताकि हम सारे मसाले उसके बाद डाल सकें। देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम उसमें फ़ौरन के लिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और उसे थोड़ा सा पकने देंगे। राई और जीरा की पकने की आवाज़ आने लग गई है। अब हम उसमें 1 प्याज जो हमने काट के रखा था उसे डाल देंगे, इस तरीके से। अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और उसमें थोड़ी सी फ्रेश मेथी डाल देंगे, उसे भी अच्छे से चम्मच चला लेंगे और प्याज के साथ हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। प्याज और मेथी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई होने देते हैं। इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट इसी तरीके से फ्राई करने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और लगभग 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। इसे हम इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे।
उसके बाद हमने जो टमाटर और साबुत धनिया का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था उसे डाल देंगे। और उसमें अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, बैंगन और आलू को डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे, उसके बाद बैंगन डालेंगे और उसी के साथ हम उसमें बड़ी भी डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले में पकने देंगे और कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। देखिए, ये अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे और कम से कम 1.5 से 2 ग्लास इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि हमारी बड़ी अच्छे से पक जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद कुकर का ढक्कन हम लगा देते हैं और कम से कम 3 से 4 विसल आने तक हम इसे ऐसे ही गैस पर रखेंगे। या तो आप 1 विसल आने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसे कम आंच में भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 विसल आ चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और उसके प्रेशर को हम रिलीज नहीं करेंगे। इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। बड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है और उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी दिख रही है और बड़ी भी बहुत अच्छे से फूल गई है। सारी ग्रेवी उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, कम समय में हमने इसे कुकर में बना लिया। अब हम इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करते हैं चावल और रोटी के साथ। तो एंजॉय कीजिए और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ।